जबलपुर की खमरिया थाना पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 47 पेटी शराब पुलिस ने बरामद की है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए खमरिया थाना प्रभारी निरुपमा पांडे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की सफारी कार में अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम गठित करते हुए परियट पोल्ट्री फार्म के पास नाकाबंदी करते हुए सफारी कार को रोका गया तो कार चालक के द्वारा तेज रफ्तार में कार को भगाया गया, जहां पुलिस की टीम के द्वारा पीछा करते हुए कार को रोका गया। कार चालक के द्वारा पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को भी टक्कर मारी गई, जहां कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। वहीं मोटरसाइकिल में दो अन्य युवक जो कि कार का पीछा कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मोंटी शुक्ला और शुभम शुक्ला नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी दीपक मौर्य वाल्मीकि की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं सफारी कार में 47 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब पुलिस को मिली है। आरोपियों के विरुद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कुंडम तरफ से एक सफेद रंग की सफारी वाहन बिना नंबर की भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए लेकर आ रही है। जिसकी सूचना पर स्टाफ को रवाना किया गया था, मौके पर नाकाबंदी की गई थी। जो सफारी वाहन थाना क्षेत्र में प्रवेश करते ही एकदम से काफ़ी तेज़ी से भागने का जिसका पीछा किया, जिसके द्वारा थाना मोबाइल पेट्रोलिंग वाहन को थोड़ी सी टक्कर भी मारी गई और भागने का प्रयास किया गया। जो स्टाफ द्वारा पुनः राहगीर के लोगों से राहगीर साक्षियों की मदद से उसको पकड़ा गया और मौके पर कार्रवाई की गई है। वाहन चालक फरार हो गया है। दो अन्य मोटरसाइकिल से व्यक्ति थे आरोपी, जिनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। लगभग कितनी शराब पकड़ी गई? शराब 47 पेटी है, जिसमें 423 लीटर शराब का परिवहन किया जा रहा था। ये संभावित रूप से सिलौड़ी मार्ग से लाया जा रहा था। अभी अन्य मुख्य आरोपी की तलाश जारी है, जिसके मिलने पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। आरोपियों के नाम पकड़े गए आरोपी हैं शुभम शुक्ला